तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नो बफर विद क्रिश। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, कैसे है, कैमो नाचो। तो आज मैं बात करूंगा हमारे नई वीडियो के बारे में जो है YouTube के बारे में। तो कैसे है आप लोग, आज हम बताना चाहते हैं आपको YouTube के बारे में। YouTube में जहाँ तक आप सभी ने सुना होगा कि आप लोग YouTube से अपलोड करने के बाद वीडियो अपनी तरीके से वीडियो, कोई ब्लॉग अपडेट करता है, कोई स्टोरी डालता है, कोई मूवी का कोई क्लिप डालता है, तो वैसे काफ़ी ज़्यादा लोग अपलोड करने के बाद पैसे कमाते हैं YouTube के थ्रू से। वैसे ही मैं आज YouTube के कैसे पैसे कमाया जाता था, मैं जस्ट वीडियो के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मेरा नज़र गया YouTube के स्टूडियो पे। तो YouTube के स्टूडियो पे जब मैंने गया था तो YouTube का कुछ क्राइटेरिया लिखा रहा था कि आप कहाँ से और कैसे पैसे कमा सकते हो। तो जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे एक चीज़ दिखने मिली, वो थी आपकी YouTube स्टूडियो में कि अगर आप YouTube पे 1000 सब्सक्राइबर करते हो या फिर आप 4000 घंटे देते हो YouTube पे, आपका व्यूअर्स अगर मान लो 4000 घंटे का वीडियो देखता है चाहे कितने भी दिनों में, तो आपको एक ऐड खुल जाता है जहाँ पे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो जो आपकी वीडियो पे प्ले होगा। वैसे ही बहुत लोग ने शॉर्ट्स बनाते थे जिसको बोलते हैं छोटी छोटी वीडियोस अपने हिसाब से, तो लोग उसे भी बनाते थे। पहले अगर आप देखोगे ना, इसका कोई पैसा नहीं मिलता था। आप लोग जितना वीडियोस अपलोड करोगे जिसका फॉलोइंग ज़्यादा अच्छा होगा, सब्सक्राइबर्स जनरेट होगा, वहाँ पर आपको पैसे मिलते थे यूट्यूब के थ्रू से। बट वैसे ही एक नई खुशी और नई चीज़ लेकर आए हैं यूट्यूब प्रोग्राम्स, जो है कि आप शॉर्ट से भी वीडियो से पैसे कमा सकते हो। जी हाँ, मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्टली मैं किस बारे पे और क्या चीज़ के बारे पे बता रहा हूँ। क्योंकि जस्ट मैंने क्या YouTube शॉर्ट्स की नहीं, मैं मोनेटाइजेशन के बारे भी इस वीडियो पे बात करूँगा, आप लोगों को समझाऊँगा कि YouTube शॉर्ट्स और मोनेटाइजेशन होता कैसा है और क्या मतलब है मोनेटाइजेशन का। बहुत लोगों ने ये जानने की कोशिश की है। तो सबसे पहले मेरा टॉपिक है YouTube शॉर्ट्स। YouTube शॉर्ट्स से आप पैसे कमाते कैसे हो? YouTube शॉर्ट्स से आप पैसे कमाते हो जैसे कि अगर आप जैसे अपलोड करते हैं वीडियो YouTube में, सिमिलरली आप YouTube शॉर्ट्स पे अपने वीडियो डाल सकते हो जो लगभग 30 से 35 सेकेंड्स का होगा। तो आप अपने हिसाब से डालो। सबसे इम्पॉर्टेंट आता है उसे वायरल करने के लिए आपको थंबनेल्स, आपको प्रॉपर थंबनेल्स डालनी पड़ेगी जहाँ जो अट्रैक्टिव लगे, जो व्यूअर्स को देखने पे ज़रूरत पड़े। उसकी बात उसकी टाइटल, जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि टाइटल के थ्रू से व्यूवर्स सर्च करते हैं। वही कीवर्ड्स अगर आप यूट्यूब में मारोगे ना तभी आपका वो शॉर्ट्स आपको सामने दिखेगा, जो व्यूअर्स के लिए आसानी होगा आपका वीडियोस देखने के लिए, अगर आप न्यू सब्सक्राइबर्स हो या फिर न्यू हो वीडियोस क्रिएटिंग जोन पे। थर्ड आता है आपका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यूट्यूब शॉर्ट्स क्रिएट करने के लिए। अब यूट्यूब शॉर्ट्स पे आप जब पैसे कमाते हो कैसे कमाओगे, वो है अगर आप देखोगे सेम गोस पर, अगर आप यूट्यूब अकाउंट बनाते हो तो आपको यूट्यूब शॉर्ट्स भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जैसे आप यूट्यूब शॉर्ट्स इंस्टॉल करते हो आप एनालिटिक्स पे जाओगे। एनालिटिक्स पे जाने के बाद आपको दिखेगा वहाँ पर कि आपके यहाँ पे कितना व्यूज़ आ रहा है, क्या कंटेंट पे आ रहा है, और ऑल्सो आपका गाइडलाइंस क्या है, आपको कहाँ पे जाने के बाद आपको यूट्यूब से पैसे रेवेन्यू जनरेट करने का मौका मिलेगा। जी हाँ, तो जैसे आप जाते हो आपको दिखा जाएगा वो 10 मिलियन व्यूज़ है। अगर आपके वीडियो पे 10 मिलियन व्यूज़ अगर आता है तो आप जनरेट हो जाओगे रेवेन्यूज़ के लिए एड्स आपके वीडियो पे। तो ये अभी तक पहले ये यूट्यूब पे था नहीं ये प्रोग्राम, ये यूट्यूब प्रोग्राम ने नई चालू की है जो होने वाला है 2023 जनवरी से। तो अगर आप करोगे वो चीज़ तो आपको वीडियोज़, अगर आपको ज़्यादा वीडियोज़ व्यूज़ देखने को मिलता है यूट्यूब शॉर्ट्स में, तो आपको आराम से वहाँ पर पैसे कमा सकते हो 10 मिलियन व्यूज़ के बाद। अब ये प्रोसेस कैसे चलता है? प्रोसेस इस तरीके से चलता है कि अगर आप वीडियोज़ अपलोड करते हो तो आपको 10 मिलियन व्यूज़ होने के बाद, ऐसा नहीं कि आपको एक ही वीडियो पे 10 मिलियन व्यूज़ चाहिए, नहीं, आप अगर 5 से 6 8 10 20 वीडियो भी करते हो अंडर 90 डेज़ के अंदर तो आपको 10 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट होता है तो आपको मिलेगा एक ईमेल यूट्यूब की तरफ से, जो ईमेल पे आपका मोनेटाइजेशन का पूरा पॉलिसीज लिखा रहेगा। अब मोनेटाइजेशन पॉलिसीज है क्या और आप कैसे एलिजिबल होते हो पेमेंट के लिए, ठीक है, तो हम बात करते हैं उसकी दूसरी टॉपिक पर, कैसे आप यूट्यूब शॉर्ट्स के एलिजिबल के हो। चाहे वो आप यूट्यूब शॉर्ट्स बनाओ या फिर आप वीडियो अपलोड करो 10 मिनट का, 20 मिनट का या फिर हाफ एन आवर, आधे घंटे का,
तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप वीडियो पे अपलोड भी करते हो तो मोनेटाइजेशन पॉलिसीज लागू होता है शॉर्ट्स स्ट्रीमिंग या फिर वीडियो अपलोड करने में। अब ये मोनेटाइजेशन पॉलिसीज है क्या? मोनेटाइजेशन पॉलिसीज क्या होता है? पहले आपको अकाउंट पूरा कम्प्लीटली वेरीफाई किया जाएगा, आपका थंबनेल्स, आपका मोस्ट व्यूड वीडियोस, जो जितनी बार देखा गया है वीडियोस, आपका कंटेंट, आपके सब के बारे में रीचेक किया जाएगा, तब जाकर आपका चैनल को पास करेगा। आपके चैनल को पास करने के बावजूद भी आपका कुछ पॉलिसीज़ है मोनेटाइजेशन पॉलिसीज में जो आता है वो है कम्युनिटी गाइडलाइंस। कम्युनिटी गाइडलाइंस आती है वहाँ पर। कम्युनिटी गाइडलाइंस के बाद आपका दूसरा मोनेटाइजेशन पॉलिसीज आता है वो है टर्म्स, टर्म्स ऑफ सर्विसेज आता है। तो टर्म्स ऑफ सर्विसेज भी आपका मोनेटाइजेशन पॉलिसीज के अंदर आता है जो आपको देख के रखना है। अगर आप यूट्यूब स्टूडियो पे जाओगे आपको पूरा ब्रीफली वहाँ दिखाया जाएगा कि ये है क्या और क्या क्या होता है इस पर। इसके साथ साथ आता है आपका कॉपीराइट। जी हाँ, कॉपीराइट। तो कॉपीराइट में आप अगर आप देखोगे, अगर आप वीडियोस अपलोड करते हो यूट्यूब पे डायरेक्ट, बड़ी बड़ी वीडियोस, वहाँ पे आप कोई भी मूवी या फिर कोई भी सॉन्ग्स का डायरेक्ट अपलोड नहीं कर सकते हो, क्योंकि आज नहीं तो कल कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है, जहाँ पे एंड पे आपका वीडियो सस्पेंड हो सकता है या टर्मिनेट हो सकता है। तो यूट्यूब को ये पूरी राइट मिलती है ये करने की। तो वहाँ पे आपको दूसरा आ जाता है आपका राइट क्लियरेंस एडजस्टमेंट पॉलिसीज। जी हाँ, राइट क्लियरेंस एडजस्टमेंट पॉलिसीज भी अब पॉलिसीज के अंदर आती है, मोनेटाइजेशन पॉलिसीज के अंदर, जो आपको देख के रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया, यूट्यूब स्टूडियो पे जाओगे आपको ब्रीफली वो दिखाया जाएगा एग्जैक्टली है क्या। और सबसे इम्पॉर्टेंट आखिरी चीज़ है वो है गूगल एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसीज। जी, गूगल की जो एड्स होती है उसके ऊपर में भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज अप्लाई होती है। वो आपकी वीडियो शॉर्ट्स में और वायरल और जो भी वीडियो सब करोगे वो सब पे वो होती है अप्लाई। तो ये है बेसिकली पॉलिसीज। अब ये अटेम्प्ट जो होती है वो क्या होती है, इसे होने से क्या होता है, इसका रेपोकेशन क्या होता है? रेपोकेशन जो होता है इसका, सपोज अगर आप ये मोनेटाइजेशन पॉलिसीज के अंतर्गत अगर किसी चीज़ पे आप पढ़ते हो, कॉपीराइट पे पढ़ते हो या फिर आपका क्लियरेंस वाले पे पढ़ते हो, ठीक है, या फिर टर्म्स ऑफ सर्विसेज पे पढ़ते हो, तो ये कोई भी चीज़ अगर आपकी वीडियोज पे एक बार स्ट्राइक होती है तो आपका वीडियोज या फिर आपका चैनल सस्पेंड या फिर टर्मिनेट हो सकता है। यूट्यूब को ये पूरा राइट है ये करने के लिए। तो ये थी आज की पूरी अपडेट यूट्यूब शॉर्ट्स के बारे पे। आप कैसे पैसे कमा सकते हो, किस तरीके से आपको वीडियो डालना है और किस तरीके से आपका वीडियोस वायरल होगा, क्योंकि अगर आप छोटी सी और अट्रैक्टिव वीडियो डालोगे विद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ, आपका वीडियो ज़रूर वायरल होगा, व्यूअर्स है देखने के लिए काफ़ी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए और ऐसे ही अच्छी जानकारी और अपडेट्स वीडियो यूट्यूब के लिए लेने के लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल नो बफर विद क्रिश, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। टिल देन, बाय।